Download the Z5 app now. Thank you, Telly Masala, for having me. This is Nishant Singh Malkani, and I'm here to entertain you. बट चलो आप मुझे पूछो, मैं देखता हूँ किसकी याद आती है मुझे। सेट पर जब खाना आता है तो सबसे ज्यादा हंग्री कौन होता है? खाने को लेके सबसे ज्यादा हंग्री गुड्डन होती है। क्या है ना, वो हरियाणा से है, जाट है, तो उनको खाना बहुत पसंद है और वो खाती भी बहुत है और कहीं से मोटी नहीं होती है। तो लिटरली मैंने अपनी आंखों से उनको चार चार समोसे एक साथ दबाते हुए देखा है। तो जब खाना आता है सेट पर, सबसे पहली जो आवाज़ आती है गुड्डन की लंच के लिए, वो कनिका की होती है। ओके, सबसे ज़्यादा रेस्ट लवर जो एक शॉट देके आने के बाद अपने रूम में जाना ज़्यादा, वो मैं हूँ जो अपनी पोली खोल देता हूँ। मैं हर शॉट के बाद मुझे ये होता है कि जब तक लाइटिंग हो रही है, जब तक लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, रूम में जाके आराम से चिल करते हैं, अपने माइंड को थोड़ा एम्प्टी करते हैं और नेक्स्ट शॉट की तैयारी करके वापस फुल एनर्जी के साथ आते हैं। सबसे ज़्यादा चिल्ड कोई लगता है? सबसे ज़्यादा चिल्ड हमारे डायरेक्टर हैं। एक्चुअली हमारे डायरेक्टर हैं, इनका नाम है वैभव सिंह। बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिव इंसान है। बट जो प्रेशर्स उनके ऊपर होते हैं रोज़ एक डिलीवरी करने के अपनी फुटेज की, उसके बावजूद वो इंसान हंसते खेलते हमको हंसाते खिलाते पूरा दिन हमसे काम करा लेता है और हमको पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकल गया। तो ही इज़ द मोस्ट चिल्ड आउट गाय ऑन द सेट। आई थिंक सेट पर स्ट्रिक्ट तो खैर कोई नहीं है, हम लोग सब बहुत ही अच्छी टीम है, हम लोग बहुत ही साथ में हंसते खेलते काम करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट गुड्डन एज अ टीम इज दैट एवरीबडी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो किसी में कोई ईगो इश्यूज नहीं है, कोई बैर नहीं रखता कोई, एवरीबडी इज़ कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, दे ऑल हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। So I personally think that's like the best USP of this entire cast. That we are all perfect for the cast, of course, but we are also perfect as co-actors together. अच्छा, आप लोग साथ में शूट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहता है कोई सीन्स को लेकर? सबसे ज़्यादा ओवर एक्साइटेड जो रहता है सीन्स को लेकर वो हमारी लक्ष्मी बहू रहती है। लाइक यू विल सी हर कि जब भी कोई सीन होने वाला होता है ना, तो वो हमेशा ये सोचती रहती है कि मैं इसमें नई नई लाइनें क्या ऐड करूँ, मैं कहाँ से बीच में एक चीज़ और बोल दूँ और मैं उसमें क्या नया ड्रामा क्रिएट करूँ। तो शी इज़ द मोस्ट एक्साइटेड एंग्री बर्ड ऑन द सेट। जो कोई डिस्टर्बर भी है, स्पॉइलर, मतलब इन अ फन वे जो सीन्स में कॉन्सेंट्रेट ना करने देता, वो वुडन है। वो हर 2 मिनट के बाद अपनी लाइनें भूल जाती है और उनको ये होता है कि मेरे को मेरी लेफ्ट प्रोफाइल नहीं देनी, राइट प्रोफाइल देनी है। तो उस चक्कर में पूरी सीन की कोरियोग्राफी वो चेंज करवाती हैं रिहर्सल्स के बाद। एंड हाँ, वो लाइनें भूल जाती हैं बार बार, तो हमको दोबारा दोबारा करना पड़ता है। तो अब मैंने एक नई चीज़ सीखी है कि मैं उसकी लाइनें याद करके आ जाता हूँ गुड्डन की। तो जहाँ जैसे कैमरा के सामने हम खड़े हैं और गुड्डन मेरे सामने खड़े, अगर वो भूल गई कि उसकी लाइन क्या है, तो मैं अपनी हल्की सी अंडर माई ब्रेथ में उसको उसकी लाइन बता देता हूँ, तो वो अपनी लाइन फिर वहाँ से कंटिन्यू कर लेती है। प्रैंकस्टर है हमारी सरस्वती बहू, वो उनका क्या करना है कि वो हर थोड़ी देर में आपके पास आ जाएंगे कि चलो एक नया टिकटॉक बनाते हैं, एक नया म्यूजिकली बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और उसमें बड़ा फनी सा वीडियो होगा जिसमें वो खुद हीरो बन के निकल जाएगी, बाकी सबका पोपट हो जाता है। तो शी इज़ द प्रैंकस्टर। अच्छा, कोई फालतू जोक्स क्रैक करता हो जैसे अभी आपको? फालतू जोक्स मैं बहुत क्रैक करता हूँ एक्चुअली। मैं यहाँ पे आई एम वेरी फेमस एज बींग द गाय विद द बेस्ट और द वर्स्ट पीजेस दैट यू कैन आस्क फॉर। तो पीजेस मारना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है कि आप एक इतनी अब इतनी बोरिंग बात बोल रहे हो कि लोगों को हंसी आनी शुरू हो जाए सुन के, कि कितनी स्टूपिड बात बोलो कि लोग हंसना शुरू हो जाए। तो आई थिंक पीजेस आर अ टैलेंट व्हिच वेरी फ्यू पीपल हैव, आई एम वन ऑफ देम। अच्छा, कोई बोरिंग भी है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हमारे सेट पे बोरिंग जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं। एवरीबडी इज़ वेरी किक्ड अबाउट द सीन्स एंड एवरीबडी इज़ लाइक इस सीन में ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और इसीलिए शायद हमारी TRP भी आ रही है। निशांत का टी टाइम पार्टनर? टी टाइम पार्टनर मेरा कोई भी फिक्स तो है नहीं, आई एम फ्रेंड्स विद एवरीबडी ऑन द सेट।
बट पर्सनली इफ़ आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे जो भी टाइम मिलता है ब्रेक्स का, आई प्रेफर टू स्टे अलोन बिकॉज दैट्स माई नेचर. आई लाइक टू चिल अलोन एंड आई जस्ट लाइक टू हैव माई ओन मेंटल पीस एंड लिसन टू माई म्यूजिक इन माई रूम. तो मेरे म्यूजिक सिस्टम है मेरे रूम में पूरा, जो मैंने खुद सेटअप कर रखा है. सो आई जस्ट सिट देयर, सिट बैक, रिलैक्स एंड लिसन टू माई फेवरेट म्यूजिक एंड जस्ट चिल इन माई ब्रेक्स. लास्टली कितना एंजॉय किया सेगमेंट को अपने फैंस को? मैंने बहुत एंजॉय किया सेगमेंट को. बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पूछी आपने मुझसे और फैंस के लिए मैं एक ही मैसेज दूंगा दैट थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी अगेन. बहुत सालों के बाद मैंने टेलीविजन पे कमबैक किया था, थोड़ा सा मैं अप्रिहेंसिव था कि आप लोग कैसे लेंगे, बट आपने जितना प्यार दिया है मुझे डेढ़ महीने के अंदर, आई कांट इवन इमेजिन कि ये शो को जब एक साल हो जाएगा, दो साल हो जाएंगे, तब कितना प्यार मुझे मिलेगा आपका. सो आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू. डाउनलोड द Z5 ऐप नाउ.